हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को सीबीआई ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे कल भी 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। रिया के घर वालों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। रिया के भाई शोविक से भी ईडी पूछताछ कर रही है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती से कल सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने रिया के माता पिता से रिया के दिए जवाबों को लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की है। चक्रवर्ती के पिता की जो गाड़ी है वो सीबीआई मुख्यालय से, या ये कहा जाए कि सीबीआई के उस गेस्ट हाउस से निकली है जहां पर उनसे करीबन 9 घंटे तक पूछताछ हुई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब रिया चक्रवर्ती के पिता को बुलाया गया था। पुलिस एस्कॉर्ट के बीच में रिया चक्रवर्ती के पिता यहां से निकले हैं। सुबह करीबन 11 बजे से पहले यहां पहुंच गए थे और करीबन 8:30 बजे का वक्त है जब वो यहां से निकले, यानी कि करीबन 9.5 घंटे पूछताछ की गई है। सवाल वही है कि रिया चक्रवर्ती ने जो बातें सीबीआई के सामने कही हैं उन्हीं से जुड़े हुए सवाल अब रिया के पिता से पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनका क्या मानना है या उनका क्या कहना है उन सवालों पर। और जब यह बयान पूरा हो जाएगा तो रिया चक्रवर्ती और उनके पिता के बयान का मिलान किया जाएगा। इस मामले में फिलहाल सीबीआई ने रिया से पूछताछ रोक दी है। कल भी रिया को नहीं बुलाया गया था, रिया घर पर ही थी। गाड़ी इंद्रजीत की पहुंच गई है घर के दरवाजे पर, जो अब बुलाया था सीबीआई ने 9.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद। अब गाड़ी पहुंची है घर पर और तमाम सवालों के बीच में, मीडिया के इंतजामों के बीच में गाड़ी घर के अंदर जाती हुई कवर किया हुआ है। देखिए अखबार से कवर किया हुआ है और गाड़ी जो गलियारा है, जिस गलियारे से होकर रास्ता जाता है, उस तरफ बढ़ रही है। ये इंद्रजीत की खुद की गाड़ी है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से इसी गाड़ी का इस्तेमाल चक्रवर्ती परिवार कर रहा है घर तक आने के लिए, और इस तरीके से गाड़ी दरवाजे पे पहुंची है और गाड़ी से उतरकर गलियारे से होकर जो इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनकी पत्नी संध्या चक्रवर्ती, रिया के माता पिता हैं, वो घर पहुंचे हैं। इसके अलावा सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, कुक केशव, कुक नीरज सिंह और श्रुति मोदी से भी कल फिर पूछताछ की थी। सुशांत सिंह राजपूत पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। इस बात का खुलासा उनकी कंपनी में पार्टनर रहे वरुण माथुर ने खुद किया है। पर्दे पर महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभा चुके सुशांत सिंह राजपूत के दिल में क्रिकेट बसता था। इसका एक और सबूत ईडी की जांच के दौरान मिला है। ईडी से बातचीत के दौरान सुशांत की कंपनी में निदेशक रहे वरुण माथुर ने बताया है कि सुशांत पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली पर एक बायोपिक बनाना चाहते थे। वरुण ने बताया कि इसके लिए सुशांत की सौरभ गांगुली से बात भी हुई थी, लेकिन सौरभ ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि आप पहले ही धोनी पर फिल्म बना चुके हैं, ऐसे में लोग मेरे पर बनी बायोपिक में आपको पसंद नहीं करेंगे। वरुण माथुर से कल ईडी ने 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी में पार्टनर थे वरुण माथुर। वरुण माथुर इनसाई वेंचर प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर थे। सूत्रों के मुताबिक वरुण माथुर सुशांत की कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर थे। इसमें सुशांत ने 50,000 रुपए का निवेश किया था। कंपनी 26 अप्रैल 2018 को बनी थी, जबकि सुशांत की एंट्री 2 मई 2018 को हुई थी। कंपनी ने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है। हालांकि यात्रा और खाने पीने पर अब तक 8 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। वरुण ने बताया कि सुशांत 1-12 किरदारों वाली फिल्म भी बनाना चाहते थे, जिसमें स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी जैसे किरदार उस फिल्म में रखना चाहते थे।